अस्सलाम वालेकुम, शिज़ादा वैन ब्लॉग चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत, वेलकम और इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाहजहाँपुर की फेमस तीखी आलू की चटपटी रेड वाली चाट, जो खाने में बहुत तीखी और चटपटी होती है। ये एक माउथ वाटरिंग चाट है जो कि बहुत मज़ेदार होती है। आप लोग इसे घर पे बनाना और ट्राई करना, फिर मुझे एक कमेंट करके बताइएगा कि ये चाट आपकी कैसी बनी है। तो बस, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मूली, प्याज और हरे धनिया की गार्निशिंग के साथ देखिए हमारी चाट तैयार है। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी चटपटी तीखी आलू की चाट। तो यहाँ पर मैंने साबुत खटाई ले ली है, तकरीबन 8 से 10 पीसेस खटाई के ले लिए हैं जी। ये होममेड खटाई है, आप मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया, इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखूँगी जी। तो बस इसको हम ढककर एक साइड में रख देते हैं और 1 घंटे का वेट करेंगे। इससे हमारी खटाई बहुत स्मूथ बनती है। तो बस अब हम तैयारी कर लेते हैं हम अपनी चाट के मसाले की। इस मसाले से हमारी चाट में 4 चांद लग जाते हैं। सारा टेस्ट लगभग इसी से आता है इस चाट का। तो 2 टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून सूखा धनिया और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च और साबुत मिर्च तकरीबन हमने 8 से 10 ली हैं। और ये मैं इसमें हींग डालूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए चाहे तो ना डालिए, मगर मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी रहती है। तो बस इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसकी एक ट्रिक है, आप इसको जार में डालिए और बटन को दबाइए, बस आपको 1 सेकंड बटन दबाना है, फिर रोकना है, फिर दबाना है, फिर रोकना है, फिर दबाना है, फिर रोकना है और चेक करते रहना है। जैसे ही इस तरीके का आपका पाउडर बन जाए मोटा मोटा दरदरा सा, तो आप बस पीसना इसको बंद कर दिए। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं रखना है, दरदरा सा रखना है। तो बस इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जी। तो मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम हींग पाउडर मिला देंगे और आप इसको साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसमें गीला चम्मच मत डालिएगा, सूखा चम्मच डालिए, आप इसको साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नमक डाल के रखेंगे तो आपका मसाला सील जाएगा। तो बस नमक आप उस टाइम ऐड करिए जब आपको चाहिए। तो यहाँ पर मेरी खटाई पीस चुकी है, मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, ये मैंने पीस चुकी हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पर आलू बॉईल किए थे, उसको मैंने कट करके एक कढ़ाई में रख दिया है जी। आपको आलू थोड़ी सी टाइट बॉईल करना है और उसकी पीसेस करके इसमें डाल देना है, और जो मैंने खटाई पीस के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपनी खटाई अपने हिसाब से डालिएगा, मतलब आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है, कम खट्टा पसंद है। यहाँ मैं तकरीबन 10 चम्मच तकरीबन मैंने खटाई यहाँ पर डाली है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको जो है पानी को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक छोटा सा वीडियो जो है मेरा डिलीट हो गया, और आपको पता है बहुत मेहनत लगती है दोबारा शूट करने में, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने देखिए नमक डाला है और मैंने यहाँ पर काला नमक 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला नमक डाला है। तो यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो पाउडर चाट मसाला बनाया था वो तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है, और रेड फूड कलर जो बिरयानी वाला होता है वो मैंने 2 पिंच डाला है, और 1 नींबू का रस मैंने छिड़क दिया। बस मेरा इतना सा पार्ट से स्किप हुआ है कि मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर और मसाले का जो मैंने शूट किया था वो मुझसे धोखे से डिलीट हो गया इतना सा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको 1.5 चम्मच तकरीबन मसाला और रेड फूड कलर डालूंगी, और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा था। तो बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, हाई फ्लेम पर पहले हम इसे पकाएंगे। आपको कलर तब तक डालना है जब तक इसका ये कलर ना आ जाए, बस इतना आपको कलर डालना है, इतना तो अंदाज़ा आप लोगों को होगा। तो बस अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और इसका थोड़ा सा गाढ़ा होने का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है ये पक रही है। ये चाट इतनी टेस्टी बनती है, शाहजहाँपुर की ये फेमस चाट है। आई थिंक ये मैंने शाहजहाँपुर के अलावा कहीं नहीं खाई है, और ये यहीं की फेमस चाट है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनके शहर में ये चाट मिलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़े की ये चाट होती है, मेरे मुँह में तो पानी आ जाता है। तो ये देखिए बस, तो ये हमारी चाट बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ ये बिल्कुल रेडी है।
तो बस इसकी गार्निशिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने घिसी हुई मूली, हरा धनिया और प्याज लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे बिल्कुल अपने शाहजहाँपुर के स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने चाट का एक पत्ता ले लिया, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसकी जो चटनी होती खटाई, जो गाढ़ी गाढ़ी, क्या मज़े है। इसको तो हम लोग स्कूल टाइम में चाट चाट के खाते थे। स्कूल के बाहर हमारे ठेले खड़े होते थे तो हम लोग इसको चाट चाट के खाते थे। और आज भी मैं इस पत्ते में से चटनी जो होती है वो चाट चाट के खाती हूँ। इसकी जो चटनी है वो बहुत मज़ेदार होती है। तो गार्निशिंग के साथ हमारी चाट तैयार है बिल्कुल। अब इस पे हम वो जो मसाला बनाया था वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारी चाट बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। घर में आप सबको खिलाइए, बनाइए, बहुत मज़ेदार चाट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।